तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आपके सामने लेके आ गया हूँ करंट अफेयर टॉपिक। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, तो ये अवार्ड से क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे वन डे एग्जाम में, है ना। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि इस बार भारत के परिप्रेक्ष्य में दो अवार्ड लगभग आए हुए हैं, दो अवार्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं और इसे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हो जाते हैं वन डे एग्जाम में आपके। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड तो वैसे ही इतिहास के तौर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा ही है क्योंकि कोई ना कोई उठ के किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन आ ही जाता है। आप कोई सभी एग्जाम उठा के देख लीजिए, मिलता ही है। ठीक है, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है, याद कराऊंगा। जनरली याद नहीं होता, अंग्रेजों के नाम होते हैं यार, याद नहीं होता है। ठीक है, हिंदी होते तो हम लोग देखते भी रहते हैं उनको, हॉलीवुड तो हम वैसे ही नहीं देखते तो याद भी नहीं होता जल्दी से, हिंदी जल्दी याद हो जाता है क्योंकि हम साउथ और इंडियन सिनेमा देखते रहते हैं, कल्चर वही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2023 को जानने से पहले सबसे पहले उनका इतिहास जान लेंगे। ठीक है, तो इतिहास में है ये जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, ये मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है, अथॉरिटी है मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, इसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1927 में लागू हुआ था और 16 मई 1927 को ये दिया गया। ठीक है, और कौन से पिक्चर को दिया गया? द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ फ्लैश को, द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ फ्लैश को दिया गया। लगभग 15 लोगों को यह दिया गया था, द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ फ्लैश 15 लोगों को दिया गया था 1927, 16 मई 1927 को मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। अब देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड इस बार किसको मिला है, तो इसको अपन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मैं बता रहा हूं पहले, ठीक है, ब्रेडन ने मिशेल को अपना एवरीथिंग या सब कुछ कहा, एवरीथिंग कहा, और उसे खुश होकर हाथी या एलिफेंट दिया, उसे हाथी या एलिफेंट गिफ्ट दे दिया। उसने खुश होकर नाटू नाटू डांस किया और उसके डांस को देख के सभी चुप रह गए, ऑल क्वाइट हो गए। यहां तक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुनना। ब्रेडन ने मिशेल को क्या किया? ब्रेडन ने मिशेल को अपना एवरीथिंग कहा और उसे हाथी या एलिफेंट गिफ्ट किया। ठीक है, एलिफेंट गिफ्ट किया और उसने खुश होकर नाटू नाटू डांस किया, उसके डांस को देखकर सभी चुप हो गए या दंग रह गए, ऑल क्वाइट हो गए। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। देखो, बेस्ट एक्टर ब्रेडन फ्रेजर, ब्रेडन ने मिशेल योह को, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल योह, बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर एंड वंस, क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर एंड वंस, ब्रेडन ने मिशेल को अपना एवरीथिंग कहा, बेस्ट पिक्चर। ठीक है, शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट, उसको हाथी दिया। ठीक है, द एलिफेंट सॉन्ग, और उसने नाटू नाटू डांस किया, नाटू नाटू सॉन्ग पे डांस किया, तो नाटू नाटू सॉन्ग। पिक्चर फिल्म, ठीक है, पिक्चर या फिल्म, बेस्ट पिक्चर या फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जाता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, ये पूछा जाता है। यहां तक इंपॉर्टेंट है, मैं याद करा दिया आपको ट्रिक के माध्यम से। तो क्या था वो? ब्रेडन ने मिशेल को अपना एवरीथिंग कहा, खुश होकर हाथी एलिफेंट गिफ्ट किया, उसने नाटू नाटू डांस किया, उसके डांस को देख के ऑल क्वाइट या सभी चुप रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना विजुअल इफेक्ट, अवतार को तो सब जानते हो, कितना बढ़िया डॉक्यूमेंट्री विजुअल इफेक्ट आया था, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर ब्लैक पैंथर वाकांडा, इसको भी सब देखे, मैं भी देखा हूँ। ठीक है, ब्लैक पैंथर देखे, ब्लैक पैंथर सीरीज, और अपना वो एक मैन इन ब्लैक वो सीरीज, ठीक है, बड़ा मजा आता है, मिशन इम्पॉसिबल है मैं देखने में, है ना। तो ये कस्टम डिजाइन ब्लैक पैंथर, टॉम क्रूज के तो सभी फैन है, और ये दोनों तो याद हो जाएगा ऐसे ही, विजुअल इफेक्ट मतलब अवतार, कॉस्ट्यूम डिजाइन मतलब ब्लैक पैंथर है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवल्ली, बस ये याद रखना है अपने को, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवल्ली, एक बार बस ट्रिक को मेमोराइज करोगे जो मैं बोला हूँ, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, बाद यहाँ पे इसी के लिए मैं आया हूँ। अब देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो एक मिला है अपना ये नाटू नाटू, और एक मिला है शॉर्ट फिल्म इंडिया, ये दो मिला है, एलिफेंट और नाटू नाटू। ठीक है, इस बार 2023 पे ये दोनों मिला है।
अब देख लेते हैं इतिहास का क्या रहा है भारत में। तो 1982 में आई एक फिल्म थी गांधी, देखना बहुत अच्छी है, भानु अथैया को मिला है, ठीक है, उसका एक्टर भानु अथैया को मिला है, भानु अथैया जी को मिला है गांधी पिक्चर में, ठीक है। उसके बाद सत्यजीत रे 1992 में, कौन थे आप लोग सर्च करना कमेंट में बताना। सत्यजीत रे, ए आर रहमान 2009 स्लम डॉग मिलेनियर, इनको भी आप सर्च कर सकते हो। 2009 गुलजार, गुलजार को तो सब जानता है, इनके बिना तो भाई अधूरी है एक शाम पूरी, शाम मतलब कुछ और मत ले लेना, गुलजार, ठीक है। 2009 में और रसूल पुटुक्की को साउंड मिक्सिंग के लिए मिला है 2009 में। तो 2009 में तीन बंदों को मिला, ए आर रहमान को, गुलजार जी को और रसूल पुटुक्की को, ठीक है। 1992 में मिला सत्यजीत रे जी को और 1982 में मिला भानु अथैया, 82 10 साल बाद 92 और 92 के बाद 2009 में तीन लोगों को, ए आर रहमान, रसूल पुटुक्की, गुलजार, 92 में सत्यजीत रे, 82 में आपका भानु अथैया जी को गांधी पिक्चर के लिए। आपको ये सब याद रह जाएगा, ट्रिक बताएंगे तुरंत याद हो जाएगा। द कमांड एंड द वे ऑफ फिल्म, ये पहला पिक्चर था जिनमें लगभग 15 लोगों को अवार्ड मिला था, ठीक है। अब एक हमारे CAG भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अभी कौन थे आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। और अभी जो नए हुए हैं वो है 28वें क्रम के, 28th क्रम के, याद रखना कौन से क्रम के, 28वें क्रम के, कौन है, संजीव शंकर दुबे जी, संजीव शंकर दुबे जी 28वें क्रम के हमारे भारत के क्या होंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे। ये एक संवैधानिक संस्था, मतलब संविधान के तहत आया है ना, बोलेंगे संवैधानिक है कि नहीं है, तो संवैधानिक है भाई, कई तो आता है जैसे कि ह्यूमन राइट्स संवैधानिक है कि नहीं, तो वो नहीं है, पर ये संवैधानिक है। 148 से 151 तक इसका अनुच्छेद या आर्टिकल है, ठीक है, 148 से लेके 158 तक इनका आर्टिकल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक हो गए, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है, ये जनरली जो पद लिया गया है ना, ये पद इनका त्याग का, ये जनरली ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, कहां से लिया गया जी, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति करता है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है, पर स्वविवेकी शक्ति नहीं है, ये करता है संघीय संसद से, किससे करता है, संघीय संसद के सलाह से, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा संघीय संसद की सलाह से, ठीक है, नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, मतलब अब मान लो 60 वर्ष का आदमी है तो 65 वर्ष पर रिटायरमेंट ले लेगा, तो 5 साल काम किया। 58 साल का आदमी है तो 58 और 2 60 और 4 और जोड़ लो, उसके बाद 2 साल और बच गया तो वो नहीं काम करेगा, तो 60 वर्ष या 65 वर्ष जो पूर्ण हो जाए पहले, ठीक है, और ये पूर्ण होने के बाद ना रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद कोई भी सरकारी पद ये ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि पूरा डाटा ब्यौरा सब रहता है इसके पास, कोई भी सरकारी पद ये ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए वेतन होता है, जो कि 2.5 लाख रुपए वेतन है आदमी केंद्र का है, तो केंद्र के संचित निधि से ये भारित होता है, ठीक है, इनका वेतन, और सांसद तय करती है, केंद्र के संचित निधि से भारित होता है और सांसद इसका वेतन तय करती है। इनकी पदमुक्ति वही त्याग पत्र, मृत्यु, कार्यकाल पूर्ण होने पर, या महाभियोग, महाभियोग मतलब वही नॉर्मली महाभियोग है जो राष्ट्रपति पे लगता है, वही महाभियोग इन पे भी लगता है, ठीक है। तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति सांसद के द्वारा, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्य, ठीक है। तो राज्य और केंद्र, ठीक है, राज्य और केंद्र के जितने सरकारी उपक्रम है, जैसे कि हमारा भिलाई हो गया, BSP है, और BSP तो राज्य और केंद्र के सरकारी, HCL, और जितने सारे अपने सरकारी उपक्रम होते हैं, ठीक है, NTPC टाइप, ये सब सरकारी उपक्रम है। तो ये जितने सरकारी उपक्रम है ना, इन सरकारी उपक्रम का, ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर अपना जांच प्रतिवेदन, सुन लो,
आय व्यय के लेखा जोखा तैयार कर सरकारी उपक्रम का अपना जांच प्रतिवेदन कौन से समिति को देना? याद होगा आपको लोक लेखा समिति को देना, ठीक है। और ये जो जांच करता है ना, ये आर्टिकल एक बार आ गया है 151 के तहत अपना जांच करता है, ठीक, 151 के तहत अपना जांच करता है। तो ये हो गया लगभग इनके बारे में पूरा डिटेल्स ओवरव्यू, आप लोग एक बार देख लेना, इससे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। अपना जांच प्रतिवेदन इनको देता है इनको, ठीक है। तो ये था आपका दो करंट का टॉपिक, मैंने कवर कर दिया, उसको ट्रिक के माध्यम से किया है, इसको पूरा डिटेलिंग कर दिया है। संजीव शंकर दुबे जी 28वें क्रम के हैं, ठीक है। आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लेना, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, देखना पूरा याद हो जाएगा, एक या दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, ऐसी करंट का टॉपिक और आते रहेगा। थैंक यू सो मच।